एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बी ग्रेट डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले दिए जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंगवे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलियन रैपपोर्ट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बी ग्रेट डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लुचेस। और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैंप, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल वोंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं पीटर लायोंस कॉलिस्टर और एडिट किए हैं सबेरिनिया सैब्रीना प्लिस्को। म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट 64 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 107.3 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा, और डायरबी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में, और जैक वाइट हॉल एज अ कैसी पॉर्टर के रोल में, और टोनी हेल एज अ जैक टायरेन के रोल में, और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में, और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में, और रूसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में, और जॉन क्लीसी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में, और इजैक वैंग एज ओइन यू के रोल में, और कीनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स, तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में, और पॉल रॉड ग्यूज एज अ सैंचेस के रोल में, और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में, और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में, और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में, और हॉरेंटो सैंस एज अ राउल के रोल में, और रोसिया पेरिस एज अ लूकेली के रोल में, और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में, और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में, और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में, और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में, और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में
अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है, लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी की देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला, जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वह उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोष देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए, जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेडवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेडवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं, जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले दिए जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंग्वे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलेन रैप पॉट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लूचिस, और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैंप, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल वोंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है पीटर लायोंस कॉलिस्टर और एडिट किए सैबरीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन,
न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कॉर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पैरामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट 64 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 107.3 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा और डर्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में और जैक व्हाइट हॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में और टोनी हिल एज अ जैक टायरेन के रोल में और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में और रूसेल वॉन्ग एज अ मिस्टर यू के रोल में और जॉन क्लेजी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में और इजैक वैंग एज ओइन यू के रोल में और किनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में और पॉल रॉड ग्यूज एज अ सैनचेज के रोल में और रुसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में और हॉरेंटो सैंस एज अ राउल के रोल में और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी के देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वो उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोष देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन
क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिलॉर जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं, जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले दिए जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंग्वे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलेन रैप पॉट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लुचिस, और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैंप, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल ओंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है पीटर लायोंस कॉलिस्टर और एडिट किए सबेरिनिया सैब्रीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $64 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $107.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा, और डार्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में, और जैक वाइट हॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में, और टोनी हेल एज अ जैक टायरेन के रोल में, और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में, और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में, और रूसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में, और जॉन क्लीसी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में, और इजैक वैंग एज अ ओइन यू के रोल में, और कीनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स, तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में, और पॉल रॉडग्यूज एज अ सैंचेस के रोल में, और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में, और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में, और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में, और हॉरेंटो सैंस एज अ राउल के रोल में, और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में, और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में, और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में, और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में, और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में, और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है, लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी के देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वह उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुछ
कुत्ते की इन अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पिल्ला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोष देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए, जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं। जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले दिए जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंग्वे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलियन रैपपोर्ट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लुचिस और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैम्प, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल ओंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं पीटर लायोंस कॉलिस्टर और एडिट किए हैं सैबरीना प्लिस्को। म्यूजिक दिए हैं जॉनी डेबनी और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $64 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $107.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का
टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा, और डर्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में, और जैक व्हाइटहॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में, और टोनी हिल एज अ जैक टायरेन के रोल में, और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में, और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में, और रुसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में, और जॉन क्लेजी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में, और इजैक वैंग एज अ ओइन यू के रोल में, और किनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स, तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में, और पॉल रॉड ग्यूज एज अ सैनचेज के रोल में, और रुसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में, और केट एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में, और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में, और हॉरेंटो सैंस एज अ राहुल के रोल में, और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में, और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में, और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में, और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में, और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में, और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है, तो और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है, लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी के देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला, जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वो उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की इन अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोस्त देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लेफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लेफोर्ज गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए, जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं। जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा।
तो फ्रेंड्स इस मूवी का अगर आप देखना चाहते तो ये अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बी ग्रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले थे जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंग्वे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलियन रैप पॉट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लूचिस और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैंप, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल ओंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं पीटर लायोन्स कॉलिस्टर और एडिट किए सबेरिनिया सैब्रीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, दी कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $64 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $107.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा और डार्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में और जैक वाइट हॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में और टोनी हिल एज अ जैक टेरेन टाइरेन के रोल में और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में और रूसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में और जॉन क्लीसी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में और इजैक वैंग एज अ ओइन यू के रोल में और कीनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में और पॉल रॉडग्यूज एज अ सैंचेस के रोल में और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में और हॉरेंटो सैंस एज अ राउल के रोल में और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी के देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वो उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक
मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोष देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए, जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं, जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले थे जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंग्वे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलेन रैपपोर्ट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लूचिस और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैम्प, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल ओंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं पीटर लायोंस कॉलिस्टर और एडिट किए हैं सैबरीना प्लिस्को। म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, दी कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $64 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $107.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा और डार्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में और जैक वाइट हॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में और टोनी हिल एज अ जैक टायरेन के रोल में और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में
और रूसेल वॉन्ग एज अ मिस्टर यू के रोल में, और जॉन क्लेजी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में, और इजैक वैंग एज अ ओइन यू के रोल में, और किनेन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स, तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में, और पॉल रॉड्रिग्यूज एज अ सैंचेज के रोल में, और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में, और केट एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में, और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में, और हॉरेंटो सैंस एज अ राउल के रोल में, और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में, और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में, और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में, और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में, और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में, और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है, लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी के देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला, जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वो उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोस्त देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए, जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं, जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को जरूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बी ग्रेट डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले थे जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंगवे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलियन रैपपोर्ट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैडनर, लोएल लुचिस और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैम्प, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल वोंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं पीटर लायोंस कॉलिस्टर और एडिट किए हैं सबेरिनिया सैब्रीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, दी कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पे रिलीज़ हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $64 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $107.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा और डार्बी कैम्प एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में और जैक वाइट हॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में और टोनी हेल एज अ जैक टाइरेन के रोल में और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में और रूसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में और जॉन क्लीसी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में और इजैक वैंग एज अ ओइन यू के रोल में और कीनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स, तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में और पॉल रॉडग्यूज एज अ सैंचेस के रोल में और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में और हॉरेंटो सैंस एज अ राउल के रोल में और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में और सायोवेन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी के देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वो उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और
फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोष देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह दे लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए, जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण्य है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेडवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं, जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले थे जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंग्वे, और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, एलन रैपपोर्ट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लुचिस, और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैम्प, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल ओंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं पीटर लायोंस कॉलिस्टर, और एडिट किए हैं सैबरीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए हैं जॉनी डेबनी। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, दी कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स, और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $64 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $107.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा, और डार्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में, और जैक वाइट हॉल एज अ कैसी पॉर्टर के रोल में, और टोनी हेल एज अ जैक टायरेन के रोल में, और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में, और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में, और रूसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में, और जॉन क्लीसी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में, और इजैक वैंग एज अ ओइन यू के रोल में, और कीनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स, तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में, और पॉल रॉड्रिग्यूज़ एज अ सैंचेज़ के रोल में, और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में।
और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में, और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में, और हॉरेंटो सैंस एज अ राहुल के रोल में, और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में, और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में, और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में, और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में, और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में, और बियर एलन ब्लाइंड एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है, लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी की देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला, जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वह उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोस्त देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए जहां मिस्टर वू का एक अभयारण्य है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं। जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले थे जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंगवे,
और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, एलियन रैपपोर्ट, और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लुचेस, और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैम्प, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल ओंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं पीटर लायोंस कॉलिस्टर, और एडिट किए हैं सबेरिनिया सैब्रीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज़ हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट 64 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 107.3 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा, और डार्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में, और जैक वाइट हॉल एज अ कैसी पॉर्टर के रोल में, और टोनी हिल एज अ जैक टायरेन के रोल में, और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में, और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में, और रूसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में, और जॉन क्लीसी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में, और इजैक वैंग एज ओइन यू के रोल में, और कीनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में, और पॉल रॉड्रिग्यूज एज अ सैंचेज के रोल में, और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में, और केट एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में, और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में, और हॉरेंटो सैंस एज अ राहुल के रोल में, और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में, और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में, और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में, और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में, और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में, और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी की देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वो उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोस्त देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और
लाइफोर्ड गार्डो द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह दे लेते हैं तो वह किलफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो किलफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए, जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेडवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिल और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं। जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले थे जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंगवे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, एलियन रैप पॉट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लुचेस और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैंप, टोनी हेल, सीना ड्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल वोंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं पीटर लायोन्स कॉलिस्टर और एडिट किए सैबरीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज़ हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $64 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $107.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा और डार्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में और जैक वाइट हॉल एज अ कैसी पॉर्टर के रोल में और टोनी हिल एज अ जैक टायरेन के रोल में और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में और रूसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में और जॉन क्लीसी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में और इजैक वैंग एज अ ओइन यू के रोल में और कीनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स, तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में और पॉल रॉड्रिग्यूज एज अ सैंचेज के रोल में और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में और केट एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में और हॉरेंटो सैंस एज अ राहुल के रोल में और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स,
आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी की देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंगर्स ने ले लिया था। वो उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोस्त देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं। जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले थे जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंगवे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, एलन रैपपोर्ट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लूचिस और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैम्प, टोनी हेल, सीना ड्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल ओंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं पीटर लायोंस कॉलिस्टर
और एडिट किए सबेरिनिया सैबरीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पैरामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कॉर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पैरामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज़ हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट 64 मिलियन डॉलर रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 107.3 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा, और डर्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में, और जैक व्हाइट हॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में, और टोनी हिल एज अ जैक टाइरेन के रोल में, और सीनेन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में, और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में, और रुसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में, और जॉन क्लेजी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में, और इजैक वैंग एज ओइन यू के रोल में, और किनेन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में, और पॉल रॉड ग्यूज एज अ सैंचेस के रोल में, और रुसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में, और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में, और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में, और हॉरेंटो सैंस एज अ राहुल के रोल में, और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में, और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में, और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में, और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में, और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में, और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है, लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी की देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वो उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोष देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लेफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लेफोर्ज गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए
और एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजोल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं, जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले थे जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंगवे, और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलियन रैप पॉट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लूचिस, और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैम्प, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल ओंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं पीटर लायोन्स कॉलिस्टर, और एडिट किए हैं सैबरीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए हैं जॉनी डेबनी। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज़ हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स, और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $64 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $107.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आया, और डार्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में, और जैक वाइट हॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में, और टोनी हेल एज अ जैक टाइरेन के रोल में, और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में, और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में, और रूसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में, और जॉन क्लीसी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में, और इजैक वैंग एज अ ओइन यू के रोल में, और कीनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स, तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में, और पॉल रॉड ग्यूज एज अ सैंचेस के रोल में, और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में, और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में, और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में, और हॉरेंटो सैंस एज अ राहुल के रोल में, और रोसिया पेरिस एज अ लूकेली के रोल में, और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में, और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में, और सायोवेन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में, और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में, और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है, लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी की देखभाल में छोड़ देता है।
मिस्टर ब्रेडवाला, जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं। एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वो उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोष देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए, जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं। जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले थे जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंग्वे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलेन रैप पॉट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लूचिस और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैंप, टोनी हेल, सीना ड्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल वोंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है पीटर लायोंस कॉलिस्टर और एडिट किए सबेरिनिया सैब्रीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन,
कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स। और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट 64 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 107.3 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा और डर्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में और जैक व्हाइटहॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में और टोनी हिल एज अ जैक टायरेन के रोल में और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में और रूसेल वॉन्ग एज अ मिस्टर यू के रोल में और जॉन क्लेजी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में और इजैक वैंग एज ओइन यू के रोल में और किनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में और पॉल रॉड ग्यूज एज अ सैंचेस के रोल में और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में और हॉरेंटो सैंस एज अ राउल के रोल में और रोसिया पेरिस एज अ लूकेली के रोल में और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी की देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वह उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोष देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेडवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेडवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन
क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिलॉर जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं, जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले थे जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंग्वे, और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलेन रैप पॉट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लुचिस, और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैंप, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल वोंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है पीटर लायोंस कॉलिस्टर, और एडिट किए सबेरिनिया सैब्रीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स, और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $64 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $107.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा, और डार्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में, और जैक वाइट हॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में, और टोनी हेल एज अ जैक टायरेन के रोल में, और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में, और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में, और रूसेल वोंग एज अ मिस्टर यू के रोल में, और जॉन क्लीसी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में, और इजैक वैंग एज अ ओइन यू के रोल में, और कीनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स, तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में, और पॉल रॉड ग्यूज एज अ सैनचेज के रोल में, और रूसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में, और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में, और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में, और हॉरेंटो सैंस एज अ राउल के रोल में, और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में, और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में, और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में, और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में, और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में, और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है, लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी के देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वह उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुछ
कुत्ते की इन अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पिल्ला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोष देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लाइफोर्ड गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए, जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं। जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए वॉल्ट बेकर, स्क्रीन प्ले दिए जे स्कैचरिक, डेविड रॉन, ब्लाइस हेमिंग्वे और स्टोरी दिए हैं जस्टिन मैलन, इलेन रैप पॉट। और ये मूवी बेस्ड है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग, जो कि नॉर्मन ब्राइडवेल के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए जॉर्डन कैर्नर, लोएल लुचिस और इस मूवी के स्टारिंग जैक वाइट हॉल, डायरबे कैम्प, टोनी हेल, सीना ग्यूलोरी, डेविड एलन ग्रीरी ग्रायर, रूसेल ओंग, कीनन थॉम्पसन, जॉन क्लीसी। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है पीटर लायोंस कॉलिस्टर और एडिट किए सैबरीना प्लिस्को, म्यूजिक दिए जॉनी डेबनी और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से पारामाउंट पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट वन, न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स, द कर्नर इंटरटेनमेंट कंपनी, स्कॉलेस्टिक इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है पारामाउंट पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड, इंटरटेनमेंट वन, कैनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये मूवी 26 अगस्त 2021 को सिनेमा कॉन पर रिलीज हुई और 10 नवंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 96 मिनट्स और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है। और इसका बजट $64 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $107.3 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्लिफोर्ड एक 10 फुट का
टॉल रेड डॉग के रोल में नजर आएगा, और डर्बी कैंप एज ए इमिलिया एलिजाबेथ हॉवर्ड के रोल में, और जैक व्हाइटहॉल एज अ कैसी पॉटर के रोल में, और टोनी हिल एज अ जैक टायरेन के रोल में, और सीनन ग्यूलोरी एज अ मैगी हॉवर्ड के रोल में, और डेविड एलन ग्रायर एज अ मिस्टर पैकार्ड के रोल में, और रुसेल वॉन्ग एज अ मिस्टर यू के रोल में, और जॉन क्लेजी एज अ मिस्टर ब्राइडवेल के रोल में, और इजैक वैंग एज अ ओइन यू के रोल में, और किनन थॉम्पसन एज अ क्लिफोर्ड विटेरियन के रोल में। और फ्रेंड्स, तोवा फिल्ड सू एज अ मिस्टर क्रूलरमैन के रोल में, और पॉल रॉडग्यूज एज अ सैंचेस के रोल में, और रुसेल पीटर्स एज अ मलिक के रोल में, और केथ एवल एज अ मिस्टर जार्विस के रोल में, और मिया रोनन एज अ फ्लोरेंसी के रोल में, और हॉरेंटो सैंस एज अ राउल के रोल में, और रोसिया पेरिस एज अ लू केली के रोल में, और एलेक्स मोफर्ट एज अ अल्बर्ट के रोल में, और जेसिका केनन वाइनन एज अ कोलिट के रोल में, और सायोभन फैलोन हॉगन एज अ पेट्रा के रोल में, और टाई जोनस एज अ वाटकिंस के रोल में, और बियर एलन ब्लाइन एज अ मिसेस जार्विस के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? आप इस वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, 12 वर्षीय एमिला एलिजाबेथ हॉवर्ड न्यूयॉर्क शहर में अपनी माँ मैगी के साथ रहने वाली एक मीडिया स्कूल की छात्रा है। उसे नियमित रूप से धमकाया जाता है, लेकिन उसे अपने एकमात्र दोस्त ओवेन यू में आराम मिलता है। एक व्यापार यात्रा के लिए शिकागो जाने से पहले मैगी उसे उसके वैन निवास और गैर जिम्मेदार चाचा केसी के देखभाल में छोड़ देता है। मिस्टर ब्रेडवाला, जो एक पार्क में एक पशु बचाओ तंबू चलाते हैं, एमिला एक छोटे लाल पीले से मिलवाते हैं जिसके परिवार को डैंकर्स ने ले लिया था। वो उसे बताता है कि पीला कितना प्यार प्राप्त करने के आधार पर बढ़ेगा। अपार्टमेंट में इमारत में कुत्ते की अनुमति नहीं होने के कारण केसी ने गोद लेने को अस्वीकार कर दिया। जब एमिला स्कूल से घर आती तो वह अपने बैग में पीला पाती और उसका नाम क्लिफोर्ड रखती। केसी उसे केवल एक रात के लिए क्लिफोर्ड रखने की अनुमति देती। अगली सुबह क्लिफोर्ड विशाल अनुपात में बढ़ गया। एमिला और उस केसी उसे इमारत के अधीक्षक मिस्टर पैकेट से छिपाने का प्रयास करते हैं। वे क्लिफोर्ड को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक इन्फ्लेटेबल बुलबुले में एक आदमी के साथ पीछा करता है और खेलता है। उनके अस्तित्व की बात तेजी से ऑनलाइन फैलती है। ब्राडवेल के पशु और उनके मालिकों के साथ पिछले चमत्कार के पशु चिकित्सक सचिव से सीखने के बाद हॉवर्ड ने उसकी ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। जैसे ही एमिला कैफेटेरिया से क्लिफोर्ड के लिए दोपहर का भोजन ले रही है, क्लिफोर्ड केसी के ट्रक से भाग जाता है और फ्लोरेंस नामक एक धमकाने वाले को अपमानित करता है। एमिला को वह दोष देता है और वह हमेशा चाहती थी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लेफोर्ज के मालिक जैक टेरेन ने सोशल मीडिया पर क्लिफोर्ड को खोजा। वह पुलिस से झूठ बोलता है कि क्लिफोर्ड उसका कुत्ता है और उन्हें उसकी तलाश है। अपने अपार्टमेंट से निकलने जाने और पुलिस और लेफोर्ज गार्डो द्वारा पीछा किए जाने के बाद एमिल और केसी ओवेन भाव अपार्टमेंट में शरण लेते हैं। केसी अमीला से कहती है कि अगर वह ब्रेडवेल को ढूंढते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो वह क्लिफोर्ड को रख सकती है। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो क्लिफोर्ड को चीन भेजा जाना चाहिए, जहां मिस्टर वू का एक अभ्यारण है। वे अस्पताल के लिए दौड़ते हैं। केवल ब्रेजवेल के खाली बिस्तर को खोजने के लिए एक मरीज से जो उन्हें बताया कि वह ब्रेजवेल की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार क्लिफोर्ड को ओवेन के पिता द्वारा व्यवस्थित एक नाव द्वारा दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि अमीला आंसू बहाते हुए अलविदा कहती है। अगले दिन क्लिफोर्ड को लाइफोग्रो कर्मियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया गया और लाइफोग्रो भेजा गया। एमिला और जल्द ही पता चलता है कि ब्रेडवेल की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह और केसी क्लिफोर्ड उनके पड़ोस के दोस्तों द्वारा सहायता प्राप्त लाइफोग्रो में संचालित होने से बचने की कोशिश करते हैं। वे लाइफोग्रो के मुख्यालय में तोड़ते हैं और क्लिफोर्ड को बचाते हैं, जब तब एमिला के शहर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग मूवी को देखना होगा।
तो फ्रेंड्स इस मूवी का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और इसे 68% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें और आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक।